हेलो दोस्तों, आज हमारे पास प्लान है 24 फीट बाई 39 फीट का। तो अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, अगर आप देखेंगे ये एक साउथ फेसिंग प्लान है, जहाँ पे मेन गेट साउथ में है आपका। यहाँ पे जैसे हम मेन गेट की एंट्री करते हैं तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्टेयर्स आपको दिख जाती है। स्टेयर्स साउथ वेस्ट में है, काफी अच्छा प्लेस है अकॉर्डिंग टू वास्तु। यहाँ पे फिर 5 फीट का वाइड पैसेज दिया गया है अंदर जाने के लिए, और यहाँ पे किचन है जहाँ से विंडो बाहर की तरफ लगाई गई है। आप यहाँ पे ड्राइंग रूम में एंट्री करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग रूम लॉबी में, तो 12 फीट 4.5 इंच बाई 16 फीट की आपकी यहाँ पे लॉबी है। यहाँ पे किचन गिवन है 7 फीट बाई 7 फीट का, और एक मास्टर बेडरूम यहाँ पे बनाया गया है 9 फीट बाई 9 इंच बाई 10 फीट का। तो यहाँ पे एक ओपन पैसेज ओपन बनाया गया है ताकि जो वॉशरूम है यहाँ पे उनकी वेंटिलेशन बनी रहे। एक वॉशरूम को आप यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, और एक वॉशरूम को आप इस बेडरूम के साथ अटैच कर सकते हैं, या ये भी आप कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेडरूम है 9 फीट 9 इंच बाई 9 फीट 1.5 इंच का, और यहाँ पे आप देखेंगे पूजा रूम है जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्लेस है। आप ये देख सकते हैं डायरेक्शन, यहाँ पे काफी अच्छी पोजीशन है। बोरवेल की पोजीशन भी नॉर्थ ईस्ट पे है। किचन की पोजीशन अगर मैं बात करूँ, साउथ ईस्ट में किचन प्रोवाइड किया गया है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया गया। तो ये वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा आपका एक प्लान हो सकता है। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे टेरिस के लिए यहाँ पे एंट्री होती है, जैसे यहाँ पे करते हैं तो टेरिस पे एंट्री होती है। सेम वाइड पैसेज यहाँ पे ड्राइंग रूम लॉबी बेडरूम सब कुछ एज इट इज, जैसे आपके ग्राउंड फ्लोर पे एज इट इज आपका यहाँ पे गिवन है। अगर आप इसका 3D देखेंगे तो यहाँ से एंट्री, और लेफ्ट में आप देख सकते हैं यहाँ से स्टेयर का पार्ट रहेगा, यहाँ से फिर टेरिस पे आपकी एंट्री रहेगी, और ये सब चीजें इस तरीके का आप डिजाइन बना सकते हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच। Thank you.